डैडी को आंखा ई छ खराब छ रो मत यारो ना चुप चलो चलो निकाल निकाल पंग लगा दिए थे बिगाई समझ आ बाबू ये चलो भैया ठीक से चल जा रोई के ना आ जाओ चल जा फिर मान जी दुकान थी चल ठीक से सो गाइज हम लोग अब निकल चुके हैं सिवान के लिए। फाइनली छठ पूजा हमारा अच्छे अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया अच्छे से, अब घर जाएंगे। भाभी भी आ रही है इधर छोड़ने, तनवा रो रही है। अभी भैया का क्या है, भैया इधर से ही फिर फ्लाइट हो जाएगा भैया का, तो मिल नहीं पाएगी इसलिए उसको इमोशनल हो गई। पहुंच गए हैं दुकान के पास और ये लड़का जूता नहीं पहना है। चलो जल्दी से ढोक करो मामा को। आराम है, आराम। अरे वाह, और रो रही है, समझाइए उसको। हम को नहीं रो रही है, कौन रो रही है, कन्नू रो रही है। हाँ चलो बैठो बैठो बैठो, लेट हो गया ऑलरेडी। आप कपड़ा गंदा करेंगे चले भाभी। खुश रहिए, आराम से जाइएगा। अंदर बैठिए ठीक है। भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। टोपी 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 लगा ले, चलिए बाय। हम लोग पहुंच गए घर और इधर सारा तैयारी चल रहा है डुगू के बर्थडे का। इधर बन रहा है खाना, इधर लगा है पंडाल, भीड़ लगा हुआ है पूरा पूरा जम के भीड़ लगा हुआ है। नमस्ते 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 संजय। क्या हाल है निकुल, अभी से रेडी हो रहे हैं सब? अभी फील्ड में खट कर आया है, साहब मई चुरा रहा है सब ऊपर आगे लगा है। नमस्ते स्वागत के लिए सब आ गए मेरे पहले, और किया इधर इतना ज्यादा भाव से
परेशान किया 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 चलो हटो तो हटो ना किया किया चलो हाँ चलो चलो बाबू को पकड़ो बाबू को पकड़ो तन्नो तो गाइस किया को इतने दिन से मैं छोड़ के गया थी और बाबू अच्छे से ले किया है कौन आ गए आयो पौने आयो एकदम एनर्जी फुल डुगु खे तले हाँ तले मुझे को सब सूटे फिर आम भैया को ऑपरेशन मुझे भूल तो गाइस हम पहुंच गए हैं घर और घर का है हालत ये और गाइस बहुत ज्यादा हम लोग हो गए हैं टायर्ड मतलब लेकिन मेरा बच्चा परेशान नहीं करती है रास्ते में और तनाए का इसको बहुत इसका मन खराब नहीं था बल्कि इतना ज़्यादा चिल्ला रही मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ सुना घर आ गई सुना हेलो अंजलि नमस्ते नमस्ते योर ऑन कैमरा देखो चल लीजिए हम अपनी तरफ घुमा लिए हम अपनी तरफ घुमा लिए हैं तो गाइस ये है अंजलि मेरी ननद चौथे नंबर की एकदम ये अपना शक्ल छुपा लिए अरे बंद कर दिया कैमरा कौन सो गाइस मैं आ गई हूँ घर और अभी आपको मिलवाती हूँ घर के कुछ ही मेंबर से मेरी ननद और मेरे वो क्या बोलते हैं क्या कहेंगे देवर बोली पता नहीं बीच में भूल जाते हैं तो अभी घर में है फंक्शन तो अभी मतलब सब लोग इकट्ठा हुए हैं चित्रा भी आई है अंजलि आई है बहुत बड़ा खानदान है बोली तो क्या अंजलि बहुत बड़ा खानदान है गाइस आइए दिखाते हैं इधर है चित्रा तो हेलो गाइस अभी मैं आई हुई हूँ यहाँ पे फंक्शन है डुगु का और अभी हम सब लोग के फंक्शन है चित्रा आई है बाकी चित्रा को आपने ब्लॉग में और भी ब्लॉग में आगे देखा होगा और इधर है मेरे सबसे छोटे देवर छोटे नहीं है तो सिक्स नंबर अच्छा अच्छा छोटे वाले उधर है तो ये है मेरे देवर उनसे इनको आपने मेरे ब्लॉग में बहुत शर्मिला है भाई मेरा बहुत बदमाश वेल इधर है राधे जो कि आप गाइस हमको तो जानते ही होंगे आप लोग बहुत फेमस है और उधर पीछे है ये है छोटे वाले देवर सबसे बाकी आपको मिलवाते हैं अंजलि से मत कीजिए बाल ए राधा मुझे पूरा सुनना चाहिए तो गाइस ये है अंजलि अंजलि लीजिए तो बुआ को अंजलि बाबू को लीजिए ना मैं तेरा अंजलि अंजलि मुझे बुआ हाँ पिलाई तो आपने देखा ननद है देवर लोग हैं सब लोग हैं बाकी बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बहुत लंबा फैमिली है इंट्रोड्यूस करवाऊंगी तो सुबह से रात हो जाएगा सो हाँ आज है फंक्शन पार्टी डुगू का जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो आज आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में डुगू का बर्थडे का सब कुछ दिखाएंगे ए टू जेड कौन क्या कर रहा है कैसे क्या सेलिब्रेट हुआ ए टू जेड कौन डांस कर रहा है सिंगर लोग आ रहा है क्या क्या हो रहा है नहीं अंजलि हाँ आई है पटना से और अंजलि कल ही कल आई हैं आप हाँ कल आई हैं तो अंजलि कल आई है पटना से और पता नहीं क्यों कैमरे से बहुत शाई हुई कभी भी नहीं कैमरे सो चलिए बाय बाय बोल दीजिए बाय 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 मिलते हैं शाम को मिलते हैं सो गाइस मिलते हैं शाम को आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही मजेदार ब्लॉग आने वाला है तो कंटिन्यू आप बने रहिएगा बहुत स्पेशल ब्लॉग है सो बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय